एक ट्रिक जिससे 2022 का रिवीजन भी हो जाएगा और लगे हाथ कुछ नंबर भी पक्के हो जाएंगे तो वो क्या है इट इज बाय वाचिंग दिस वीडियो ऑफ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ 2022 जहां हमने सवाल डिस्कस किए हैं फ्रॉम द एरियाज लाइक नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट अपॉइंटमेंट ये सब कुछ डिस्कस है अंडर द सेट ऑफ दॉप फिफ्टी क्वेश्चन ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन द दक्टोबर नवंबर एंड डिसंबर का करंट अफेयर इफ देन सब्सक्राइब टू ये न्यूज चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है

इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट ऑल वुमेन ऑफ द द मैरिटल स्टेटस हैव राइट टू सेफ एंड लीगल से अप टू ट्वेंटी फोर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इसी के साथ अबॉर्शन से रिलेटेड यूएसए ने भी एक जजमेंट दिया जहां इन्होंने अबॉर्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में अंडर द रो वर्सेस वेट का केस नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है अबाउट दी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो अब तक चाइना हुआ करती थी पर यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये अब दूसरी कोई और कंट्री होने जा रही है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया जी हाँ 2023 तक इंडिया बनने जा रहा है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ टू अगला सवाल है अबाउट ऑपरेशन गंगा जिसके तहत हमने काफी इंडियंस को इवैकुएट किया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री आपको इस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर इज यूक्रेन तो रशिया यूक्रेन की वॉर के तहत जो ट्वेंटी फोर्थ फेबर से जारी है हमने काफी इंडियन को इस रीजन से इवैक्यूएट किया ये वॉर अब भी जारी है जिस पर अब तक कोई रूस अनाउंस नहीं किया गया है नेक्स्ट अब हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इमरजेंसी फेस की बिकॉज ऑफ हाई इंफ्लेशन एंड रिकॉर्ड लो फॉर एक्सचेंज आपको इस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका यहां काफी ज्यादा एसेंशियल सर्विसेज की क्राइसिस हो गई इन्फ्लेशन बढ़ गए और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंजेस लो हो गए जिसके तहत गोद गोदबाया राजपक्षा यहां के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा और फिर बाद में रानिल विक्रम सिंह यहां के नए प्रेसिडेंट बने इसके अलावा कनाडा में भी इमरजेंसी देखने मिली बिकॉज ऑफ द एंटी वैक्सीन मैंडेट एंड पाकिस्तान में भी बिकॉज ऑफ द मॉन्स्टर फ्लड जिससे एक तिहाई ऑफ द कंट्री व सफरिंग फ्रॉम नेक्स्ट आपको बताना है ऋषि सुनक के बारे में जिनके बारे में आपने बहुत सुना है ये बने पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री यस सो इट्स प्रिटी इजी द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम जिसके तहत इन्होंने लिस्ट ट्रस्ट को रिप्लेस किया इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखे तो इंडिया के पॉमनेंट रिप्रेजेंटेटिव टू तो यूनाइटेड नेशन अब है रुचिरा कंबोज डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू एच ओ अगेन है तेद्रोस एदनो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसिडर फेनेसा नकाते जो कि 25 साल की है फ्रॉम युगांडा

गए हैं डिस्क्रिप्शन में अगले सवाल में आपको आइडेंटिफाई करना है इस फेमस इंडियन सिंगर को ये वो है जिन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है ये पहली इंडियन है जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑफ लंदन में परफॉर्म किया और इन्होंने भारत रत्न और दादा साहब फालके अवार्ड भी रिसीव किया है जी हां हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की हु रिसेंटली पास अवे इनके अलावा राकेश झुंझुनवाला भी हमारे बीच नहीं रहे ये एक एस इन्वेस्टर थे जिन्हें बिग बुल ऑफ द लास्टी कहा जाता है अलोंग विद अलॉन्ग कॉल्ड इंडियाज बॉर्न बुफे इन्होंने रिसेंटली इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन अकाशा को लॉन्च किया था अगले सवाल में आपको इस कंट्री का नाम बताना है जहां ह्यूज प्रोटेस्ट देखने मिले अगेंस्ट वेयरिंग हिजाब करेक्ट आंसर इज ईरान यहां मेहसा अमीनी की डेथ के बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने मिले बिकॉज ऑफ वेयरिंग हिजाब नेक्स्ट इज अबाउट परम गंगा तो ये एक टर्म है जो काफी न्यूज में रहा आपको बताना है कि ये टर्म क्या है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडिया में बनाया गया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसे इंस्टॉल किया गया है आईआईटी रुड़की में इसी के साथ परम पोरुल भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इनोग्रेट किया गया नाउ द टेंथ क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहा इनोग्रेट किया गया करेक्ट आंसर है बिहार में अब ऐसे ही कई और इंपॉर्टेंट फोर्स रहे हैं इंडिया के तो उन्हें भी एक साथ देख लेते हैं जैसे कि इंडिया का पहला ट्वेंटी फोर सेवन सोलर पावर विलेज यह है मोढेरा में जो कि गुजरात में है इसी के साथ मंडला जो कि एम में है यह इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना फिर इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस अंडर दी भारत गौरव स्कीम चली फ्रॉम कोयम्बतूर टू शिरडी देन दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इनोग्रेट हुआ उज्जैन में जो कि मध्य प्रदेश में है अगला है अबाउट द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आपको बताना है कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है सही जवाब है नीति आयोग इस इंडेक्स के अनुसार मेजर स्टेट्स में कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया नीति आयोग ही रिलीज करते हैं स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स भी जिसके अनुसार लार्ज स्टेट्स में गुजरात और स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया बॉटम में रहे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड अब नीति आयोग के नए सीईओ भी अपॉइंट हो चुके जो कि है परमेश्वरन अय्यर अगला हम बात करें हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में आपको बताना है उस बुक का नाम जिसके ट्रांसलेटेड वर्जन को इस साल का अवार्ड मिला सही जवाब है रेत समाधि अभी हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेत समाधि की ओरिजिनल राइटर गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई इस बुक के ट्रांसलेटेड वर्जन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला यह ट्रांसलेटेड वर्जन लिखा गया डेजी रॉकवेल के द्वारा अगला बात करें हैं इसरो के बारे में जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट

अब ये केस फिर से न्यूज में था जहां माना जाता है कि ये जो मॉस्क है इसे बनाया गया है ऑन द डिमोलिश्ड पोर्शन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल बाय औरंगजेब जिस वजह से ये फिर से न्यूज़ में था इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद डिस्प्यूट और कुतुब मीनार केस भी न्यूज़ में था नेक्स्ट बात करें प्रचंडा के बारे में तो आपको बताना है कि ये न्यूज़ में था पर ये है क्या सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है सिर्फ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ये पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एल है जिसे बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नेक्स्ट एक काफी ईजी सवाल है अबाउट द नोबेल प्राइज आपको बताना है कि कितने फील्ड में दिया जाता है सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सिक्स फील्ड्स में 1968 तक सिर्फ पांच फील्ड्स में दिया जाता था पर इकोनॉमिक्स के एडिशन से अब टोटल छह फील्ड्स में जिसके टोटल इस साल के विनर्स यहां दिए गए हैं अब आईपीएल तो हम सभी ने देखा है और इस साल के फिफ्टीन एडिशन कंक्लूड हो चुके हैं आपको बताना है कि कौन सी टीम ने यह टाइटल जीता सही जवाब है गुजरात टाइटन तो ये हुआ था गुजरात में इन्होंने डिफीट किया राजस्थान रॉयल्स को पर्पल कप जीता युजवेंद्र चहल ऑरेंज कप जॉस पटलर ने और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट है अबाउट द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो काफी न्यूज में था पर आपको इसका रीजन बताना है सही जवाब है ऑप्शन बी कि इंडिया वॉज रैंक एट दी बॉटम जी हाँ आउट ऑफ दी 180 एटी कंट्रीज इंडिया का रैंक 188 था और इसी वजह से इंडिया ने इस इंडेक्स को माना नहीं विच मेड इट कॉन्ट्रोवर्शियल इसे रिलीज किया जाता है येल सेंटर अलोंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इस रैंक के अनुसार डेनमार्क वॉस रैंक बेस्ट कुछ और इंडेक्सेस भी साथ में देख लेते हैं जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंडिया का रैंक था वन और नॉर्वे डेनमार्क और स्वीडन रहे बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टॉप कंट्री थी जापान बॉटम में चैट और इंडिया का रैंक था फिफ्टी वही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इंडिया का रैंक था एट ग्लोबली किसी भी कंट्री को फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रैंक दिया ही नहीं गया बल्कि फोर्थ रैंक दिया गया डेनमार्क को और स्वीडन को फिफ्थ अगला सवाल बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि यहां आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आई विक्रांत सही जवाब है ऑप्शन डी कि इसे समुद्रयान प्रोजेक्ट के नहीं बल्कि प्रोजेक्ट 71 के अंतर्गत बनाया गया यह इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है और यह ट्रिब्यूट है टू फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इसी के साथ न्यू नेवी एनसाइन भी अनवील किया गया जिसका नाम है निशान और आई विजय जिसे कारगिल वॉर के दौरान डिप्लॉय किया गया था उसे डी कमिशन भी किया गया नेक्स्ट अग्निपथ स्कीम जो काफी ज्यादा न्यूज में थी जिससे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए आपको बताना है कि कितने परसेंट अग्नि बीज को रिटेन किया जाएगा फॉर अ फुल टर्म पीरियड ऑफ 15 इयर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी 25 परसेंट अब इस स्कीम के तहत अग्निवीज को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए चार साल के लिए चार साल के बाद सिर्फ पच्चीस परसेंट रिक्रूट होंगे आने वाले पंद्रह सालों के लिए और बच्चे सेवेंटी फाइव परसेंट एलिजिबल होंगे सेवा निधि स्कीम के लिए अगले सवाल में हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जिसके मैस्कॉट के बारे में आपको बताना है सही जवाब है पेरी तो ये इवेंट हुआ था बर्मिंग इंग्लैंड में जहां सबसे ज्यादा मेडल्स जीते ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया था एट फोर्थ पोजिशन यही यंगेस्ट थी अनाहत ओल्डेस्ट सुनील बहादुर एंड द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन प्लेयर रहे शरद कमल नेक्स्ट बात की जाए नेशनल गेम्स के बारे में जिसका थर्टी सिक्स एडिशन कंक्लूड हुआ आपको बताना है ये हुए कहाँ थे सही जवाब है गुजरात में तो ये एडिशन करीब सात साल बाद हुआ था जिसमें ओवरऑल सर्विसेज टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड हरियाणा बेस्ट मेल एथलीट थे साजन प्रकाश एंड बेस्ट फीमेल रही हंसिका रामचंद्र इस साल का मैस्कॉट था सबज जिसका थर्टी सेवेंथ एडिशन अब होगा गोवा में अगला सवाल है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ जिसके फाइनल से हम सभी बहुत खुश थे आपको बताना है कि यह किस कंट्री में हुआ था जो कि पहली अरब कंट्री भी थी सही जवाब है कतर तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ जहां अर्जेंटीना ने डिफीट किया फ्रांस को और लिफ्ट की दी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी हुई अल बाय स्टेडियम में और क्लोजिंग हुई लुसैल स्टेडियम में ऑफिशियल इसका था ला एम और इसके गोल्डन बूट अवार्ड रिसीवर रहे कायलन एम बाबे नेक्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ये भी इसी साल कंक्लूड हुए आपको बताने कि ये हुए कहाँ थे सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया तो इसके फाइनल्स हुए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जहां इंग्लैंड ने डिफीट किया पाकिस्तान को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया सैम क्यूरन को जहां कैप्टन ऑफ द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप रहे जॉस बटलर अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मेंशन है अबाउट द्रौपदी मुर्मू जो कि बनी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट लगे हाथ आपको बताना है अबाउट इंडिया प्रेसिडेंट एज वेल सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि नन क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट होने के साथ साथ यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी है इंडिया की अलॉन्ग विद बीन दी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड दुमेन प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल इनका अपॉइंटमेंट काफी इम्पोर्टेंट था कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स देखें तो इंडिया के फिफ्टी सी बने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शरद कमल बने पहले इंडियन प्लेयर टू बी इलेक्टेड टू द आईटीटीएफ टी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब आर वेंकट रमानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एंड दी न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंता

सही जवाब है इंडोनेशिया यह कप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग दी फोर्टीन टाइम्स चैंपियन इंडोनेशिया इस टीम के कैप्टन थे किदाम्बी श्रीकांत नेक्स्ट अब आपको मुझे बताना है उस कंट्री के बारे में जो बल्ली पहली कंट्री टू तो गिव लीगल राइट टू तो दाइल्ड एनिमल्स सही जवाब है यूक्वाडोर जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है यह दिया गया इन फेवर ऑफ दॉली मंकी एस्ट्रेलेटा नाउ वी कम टू द्वेंटी नाइंथ क्वेश्चन विच इज अबाउट दर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर आपको बताने कि ये किसके द्वारा दिया जाता है सही जवाब है यूनेस्को ये इस साल दिया गया गोदरा जा रहा को दिया जाता है ये ताकि सभी को एक्सेस मिल सके बुक्स और रीडिंग का अब क्योंकि यूनेस्को की बात हो रही है तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की लिस्ट में अब इंडिया से तीन सिटीज जुड़ चुकी है तेलंगाना की वारंगल और केरला से त्रिशूर और नीलामपुर इसी के साथ यूनेस्को का पीस प्राइज भी अनाउंस किया गया जो कि दिया गया एंजिला मोर्किल को एंड दर्ट एन विच इज अबाउट अकेडमी अवार्ड आपको बताना है कि इनमें से किन अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर्स जी हाँ Oscars are also called as the Academy awards. इसका नाइनटी फोर्थ एडिशन कंक्लूड हुआ बेस्ट एक्टर दिया गया विल स्म को जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्शियल था नेक्स्ट दी बेस्ट एक्ट्रेस टू जैसिका चास्टेन एंड दिक्चर टू सी ओडीए आगे आपको बताना है कि इस साल के कंक्लूडेड मिस वर्ल्ड कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है सही जवाब है पोलैंड था इसका सेवेंटी एडिशन जो जीता गया कैरोना बेलवास का फ्रॉम पोलैंड रनर अप रही श्री सैनी और सेकेंड रनर अप ओलिविया यासे नाउ लगे हाथ बात करें मिसेस वर्ल्ड के बारे में भी तो ये जीता गया इंडिया से सरगम कौशल के द्वारा जिसके तहत वी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्योंकि ये रिसीव किया गया इंडिया के द्वारा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 21 इयर्स ईयर्स ये इवेंट हुआ था लास वेगस में जिसकी रनर अप रही मिसेस पोलिनीशिया आगे बात करें सिपर रिपोर्ट के बारे में जहां आपको बताना है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स बिटवीन 2017 एंड 21 कौन सी कंट्री थी सही जवाब है रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थी रशिया फ्रांस एंड यूएसए जिसमें इंडिया का नंबर था ट्वेंटी थर्ड वही लार्जेस्ट इंपोर्टर थी साउदी अरेबिया एंड इंडिया एज वेल आगे देखें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के फिफ्टी सेकेंड के बारे में तो ये रही आशा पारेख जी लगे हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखें तो नेताजी अवार्ड इस साल दिया गया टू फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अगला द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जिसके काफी सारे रिसीवर्स रहे पर इनमें से एक थी इंडियन जो कि है पूर्णिमा देवी वर्मान यह दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर्स जिसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी कहा जाता है गिवन इन लैंड वाटर एयर एंड लाइफ टाइम का कैटेगरी एंड लास्टली फ्रांस का हाइय सिविलियन अवार्ड ये दिया गया शशि थरूर जी को अब ईस्ट तिमोर एक कंट्री है जो कि न्यूज में थी लेटली आपको बताना है कि किस वजह से सही जवाब है दैट इट इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ दूएस्ट ये एक रीजनल फोरम है जिन्होंने ईस्ट तिमोर को एडमिट किया है एज इट्स इलेवेंथ मेंबर इंडिया इस ग्रुपिंग का मेंबर नहीं है इसकी सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में जिसके करंट चेयरमैन है इंडोनेशिया नेक्स्ट इज अबाउट द अंडर 19 एशिया कप श्रीलंका इसके रनर अप रहे पर आपको विनर बताना है सही जवाब है इंडिया जी हाँ इसके नाइन्थ एडिशन में इंडिया विनर रहा जिसका इवेंट हुआ था दुबई में प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया हरनूर सिंह पन्नू को लक्ष्य सेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं सही जवाब है बैडमिंटन हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मन ओपन बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर और इंडिया ओपन में इन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए आगे आपको बताना है एयर इंडिया के चेयरमैन के बारे में सही जवाब है नट राजन चंद्रशेखर इसके नए सीईओ और एमडी है कैम्बिल बिल्सन हम एयर इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 69 नाइन ईयर्स एयर इंडिया को वापस दे दिया गया डी तो टाटा ग्रुप को जो कि काफी ज्यादा बड़ी न्यूज थी नेक्स्ट आपको बताना है अबाउट द कोर्ट विच बिकेम दर्स्ट इंडिया पेपरलेस कोर्ट सही जवाब है केरला जहां केस फाइल्स अवेलेबल होगी स्क्रीन मे टू दॉयर्स

आपको बताना है यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इट इज रिलीज्ड बाय UNDP इसमें इंडिया का रैंक रहा 132nd जहां हाईएस्ट रैंकिंग करती थी स्विट्जरलैंड नॉर्वे और आइसलैंड कुछ और इंडेक्सेस की भी बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल किया जाता है IMD के द्वारा इंडिया का रैंक था 37th और डेनमार्क रहा फर्स्ट एंड देन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक था 107. ये भी काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश उनका रैंक भी हमसे बेटर था जिन्हें हम खुद फूड रेंज प्रोवाइड करते हैं इसमें ओवरऑल बेलारूस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया एंड नाउ यू हैव टू टेल मी दैट विच कंट्री अनाउंस द लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज ये करीब चार हजार किलोमीटर लंबी रिवर क्रूज होने वाली है फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ और सही जवाब है इसका इंडिया इसका नाम होने वाला है गंगा विलास क्रूज इसी तरह कुछ और सुपर लेटर्स देखे तो इंडिया में ही है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट टेन थाउजेंड फीट यह है दी अटल टनल जो कि सिचुएटेड है इन दी लेह मनाली हाईवे इन द पीर पंजल रेंज वर्ल्ड का हाइएस्ट रेलवे ब्रिज ये भी इंडिया में ही है चेनाब रेलवे ब्रिज ये आईफिल टावर से भी थर्टी फाइव मीटर ऊंचा है इन जम्मू कश्मीर इसी तरह इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया केरला में बाय टाटा पावर्स नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है अबाउट फर्स्ट मेल इंडियन टू विन ऑनर ऑफ़ वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। पहले मेल इंडियन यह है पी आर ओवरऑल पहले इंडियन की बात करें तो यह है रानी रामपाल जिन्होंने यह जीता इन दर टू इसी तरह हु बिकेम बीकेम फर्स्ट इंडियन टू विन दी एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसे जीतने वाले पहले इंडियन बने नीरज चोपड़ा ये इवेंट हुआ था जूरिक स्विट्जरलैंड में इसी तरह नीरज चोपड़ा तीसरे इंडियन भी रहे टू तो बी नॉमिनेटेड इन दी लॉरिस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर आफ्टर विनेश फोगाट एंड सचिन तेंदुलकर जिन पर एक बुक भी लिखी गई बाय नवदीप सिंह गिल जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाउ क्योंकि हम बुक्स की ही बात कर रहे हैं तो बताइए कि हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट दैंडेमिक ये किसके द्वारा लिखी गई It has been by Bill Gates. कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स भी साथो साथ देख लेते हैं जैसे विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप लिटिल बुक ऑफ जॉय बाय द लाई लामा एंड आर्क बिशप डेस्टमिन टूटू किरण बेदी के द्वारा लिखी गई फ्यस गवर्नेंस रस्किन बॉर्न ने लिखी अ लिटिल बुक ऑफ जॉय एंड लिसन टू योर हार्ट बिरसा मुंडा पर लिखी गई एक किताब बाय आलोक चक्रवाल एंड शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई विनिंग द इनर बैटल नाउ रमेश बाबू प्रगनंदा भी काफी ज्यादा न्यूज में है ये एक एज प्लेयर है अपने डोमेन में आपको बताना है कि ये कौन से और किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं सही जवाब है चेस ये एक 16 साल के यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर वन मैग्नस कार्लसन को हराया है इसी साल कम से कम तीन से चार बार अगला सवाल एक स्कीम से रिलेटेड है वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम इसके तहत सभी मैन्युफैक्चरर्स को अपना जो फर्टिलाइजर है वो एक ब्रांड नेम के अंदर प्रोड्यूस करना है वो ब्रांड नेम आपको बताना है सही जवाब है ऑप्शन बी भारत इस स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जिसके तहत फर्टिलाइजर की ब्रांडिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यह मोटिव और यह स्टेप लिया गया है नेक्स्ट इज अबाउट रामसर साइट्स अब आपको बताना है दिसंबर 2022 के हिसाब से आज टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं है सही जवाब है 75 ऑन द ओकेजन ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इस साल काफी सारी साइट्स ऐड की गई जैसे कि उत्तर प्रदेश से बखीरा तमिलनाडु की तीन साइट्स वहीं मिजोरम की पाला वेटलैंड और मध्य प्रदेश की साख्या सागर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सालों बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के प्रोडक्शन को अप्रूव किया है लगे हाथ आपको बताना है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा मस्टर्ड प्रोड्यूस होते हैं सही जवाब है राजस्थान इंडिया में काफी ज्यादा ऑयल की जरूरत होती है और इसलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं पर अब जीएम मस्टर्ड के होते हुए इस इंपोर्ट को हम कट कर पाएंगे नाउ वी काफी बड़े थिंकर फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर रहे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी अनवील किया गया बेंगलुरु में जो कि एक सौ फीट ऊंचा स्टैच्यू है ऑफ श्री नाद प्रभु केम्पे जो कि विजयनगर नगर एम्पायर के चीफ्टन भी थे और बेंगलुरु सिटी के फाउंडर भी इसी तरह स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अनवील किया गया तेलंगाना में जो कि 216 फुट का एक स्टैचू है ऑफ भक्सेंट श्री रामानुजाचार्य एंड नाउ द द्वेश्चन सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की खुशी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोड को अमेंड किया जिसके तहत फ्लैग को डिस्प्ले किया जा सका डे एंड नाइट आपको उस कोड का नाम बताना है सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एंड वन लाख बोनस क्वेश्चन फॉर यू केतान जी जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट सही जवाब है यूएसए इसकी पहली वुमेन थी सैंड्रा डे ओ अब क्योंकि हम फर्स्ट फीमेल लीडर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा और भी चीजें देख लेते हैं जैसे कि स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट नतासा मुनीर इटली की रही जॉर्जिया मेलोनी वहीं सी को लीड करने वाली डॉक्टर कला सेल्वी सेबी को लीड करने वाली माधावी पूरी बूज इसी तरह हंगरी होंडरूस और फ्रांस की भी फर्स्ट फीमेल लीडर्स रही साथ ही साथ देख लेते हैं अबाउट फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान जो थी आयशा मलिक एन जी सी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अलका मित्तल एंड फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू फीचर ऑन यूएस क्वार्टर माया एंजेलो तो इन सारे सवालों के साथ दिस इज वेरी कंक्लूड टू सेशन आई रियली होप ये सेशन आपके लिए बहुत फुलफिलिंग और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा इफ येस लेट इस नो इन दॉमन सेशन बिलो देन कीप लर्निंग एंड आई शल सी नेक्स्ट वन